दोस्तों यहाँ पर देखिए 143 वीडियोस ये डाल चुका है जिसमें कि चैनल मोनेटाइज है। उसी तरह ये वाला चैनल देखिए 480 वीडियोस डाल चुका है, चैनल मोनेटाइज है। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर हर महीने इसके लास्ट 30 डेज में 20.8 मिलियन व्यूज आते हैं जिसमें कि डेली के 6,94,000 और इसके डेली के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं 37 के, जो कि फ्रांस का है। हाई आरपीएम होने की वजह से हाई अर्निंग भी होती है, $25,000-30,000 के करीब में ये बनाता है डॉलर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट ग्रोथ है वो यहाँ पर इंक्रीजेबल है। तो यहाँ पर इस तरीके का चैनल एक माइक्रो नीच में है जो कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट होगा, टाइम पास करके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जिसमें कि यहाँ पर दूसरा चैनल देखिए, जिस बंदे ने बनाया लास्ट 30 डेज में 2.6 मिलियन व्यूज आए हैं, 88K व्यूज है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बना सकते हो इस माइक्रो नीच पर यूट्यूब चैनल। आपने वेबसाइट के लिए सुना होगा माइक्रो नीच, लेकिन मैं आपको यूट्यूब के लिए माइक्रो नीच यूट्यूब चैनल की एक कैटेगरी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। और ये नया चैनल है जिसमें आप देख सकते हैं चैनल मोनेटाइज है और यहाँ पर इसके भी कम से कम $300-400 के करीब में बन जाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ सेकंड की वीडियो है, कोई भी टाइम पास करके ये बना सकता है। तो ये कैसे बनेंगी और कैसे आपने वर्क करना है, तो ये जानने के लिए बस वीडियो के एंड तक बने रहने के साथ साथ एक काम करना है। अगर टेक न्यू फॉर यू चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके YouTube कॉपी पेस्ट रिलेटेड या CPA मार्केटिंग से रिलेटेड। चलो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है काफी टाइम से टेक न्यू फॉर यू चैनल पर वीडियोज नहीं आई थी, लेकिन अब से यहाँ पर रेगुलर आने वाली है वीडियोज जिसमें कि YouTube कॉपी पेस्ट रिलेटेड भी होगी और CPA मार्केटिंग से भी रिलेटेड होगी। तो आपको कोई और टॉपिक देना है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए आज के वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि हम एक ऐसा माइक्रो नीच यूट्यूब चैनल बनाकर कैसे इस तरीके के व्यूज ला सकते हैं, जो कि और हाई आरपीएम के साथ इतनी तरीके की अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एक चैनल का नाम देखते हैं जिसका नाम है इंग्लिश बाय स्टीवन EBS ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर 143 ये वीडियो डाल चुका है जिसमें कि इसके 1,89,000 सब्सक्राइबर हैं और एक एक्सटेंशन आता है जिससे आप पता लगा सकते हैं चैनल मोनेटाइज है या नहीं। तो यहाँ पर बता रहा है चैनल मोनेटाइज है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी वीडियोज किस टाइप की हैं, जिसमें कि कुछ सेकंड की वीडियोज कोई भी बना सकता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपने बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 6 साल पहले यहाँ पर डाली 8.7 मिलियन व्यूज, 1.3 मिलियन व्यूज। और ये इस टाइप का काम है जिसमें दोस्तों आपको बस एक बार काम करना है, उसके बाद आप इस चैनल को ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद तो ये आपको पैसे बनाकर देता रहेगा इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं डेली के इस बंदे को व्यूज मिलते हैं 6,94,000 और लास्ट 30 डेज में इसे व्यूज मिले हैं 20.8 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ये बंदा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो उसी तरह एक और चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोनाउंसिएशन मैनुअल, तो इसका नाम है। और यहाँ पर आप देखिए 480 वीडियोस ये डाल चुका है जिसमें कि इसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी चैनल इज मोनेटाइज। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़े वर्ड ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर वीडियोज डाली है किस टाइप का नीचे मैं अभी बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 32 मिलियन व्यूज, 5.2 मिलियन व्यूज, 4.8 मिलियन व्यूज, 3.1 मिलियन व्यूज, इसी तरह देखेंगे 2.4 ऐसे यहाँ पर मिलियनों में व्यूज है। तो आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर ये कब इतने ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। और ये यहाँ पर आपका जो है यूट्यूब सर्च वाला कॉन्टेंट है जो कि आपका रेगुलर चलता रहेगा, आपके यहाँ पर व्यूज कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दूसरा चैनल जो कि है सबसे खतरनाक, जो 20.8 मिलियन व्यूज लेने वाला 30 डेज के अंदर, वो कौन सा चैनल है। तो उसका नाम देखते हैं, जो कि उसका चैनल भी देखते हैं। तो उसका नाम है जूलियन मिक्यूएल। तो यहाँ पर मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ओपन किया और इसके बाद वीडियो में जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर वीडियोस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर 8,82,000 सब्सक्राइबर है, 37 के वीडियोस इसकी बन चुकी हैं जिसमें कि किस टाइप की वीडियोस हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सारी सेकंडों में वीडियोस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई 0.54 सेकंड की, कोई 1 मिनट की, 0.42 सेकंड की। तो इसमें क्या है ऐसा वीडियो में, तो आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से भी, अपने पीसी से भी, और इस तरीके की अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये चैनल भी मोनेटाइज है और यहाँ से ये बंदा भी रेवेन्यू से अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पर पॉपुलर वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पॉपुलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 20 मिलियन इस बंदे के व्यूज, 17 मिलियन, उसके बाद 7.5 मिलियन, 6.4 मिलियन, ऐसे यहाँ पर काफी ज्यादा मिलियनों में इस बंदे के व्यूज आए हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल दिखाता हूँ जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अभी मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग सके कि किस टाइप की यहाँ पर ये वीडियोस बना रहे हैं और कितने सेकंड की आपको वीडियो बनानी है और कैसे बनानी है। और मोबाइल फोन से भी आप बना सकते हो सिर्फ टाइम पास करके। जब भी आप टाइम पास कर रहे हो तो आप इस टाइप की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दें जब भी दोस्तों आपका मन करे, तो यहाँ पर आपको बाद में रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक और चैनल है प्रोनाउंसिएशन गाइड,
तो यहाँ पर इसके भी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो एक बार इसे भी हम विजिट करेंगे। तो विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इस बंदी ने तो यहाँ पर 398,000 वीडियोस डाल चुकी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके उस पर ट्रैफिक आता है। पॉपुलर में देखोगे तो इसके भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 270,000, 193,000, 189,000, तो इस टाइप के इसके भी व्यूज़ हैं। अब इसकी एक बार वीडियो को इसे प्ले करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाली वीडियो है, तो इसे कहते हैं ये प्रोनाउंस कर रही है, तो यहाँ पर हम एक बार इसे प्ले करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस टाइप की वीडियो है, यहाँ पर ये वर्ड को बोल रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, और यहाँ पर 25 सेकंड की ये वीडियो बना दी 2 सेकंड के गैप के अंदर। तो यहाँ पर इस टाइप की एडिटिंग आपने कैसे करनी है, और मैं आपको बता दे हूँ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाला है ये काम, क्योंकि मैंने आपको सारा काम कर ही दिया है, बस आपको बस एडिटिंग में लाकर इसे एडिटिंग करनी है। कैसे करनी है चलिए मैं वो भी बताता हूँ। इस टाइप का आपने चैनल बना लेना है प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पर इस चैनल की कैटेगरी का नाम है प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू से और हाउ टू प्रोनाउंस। तो यहाँ पर जैसा कि हाउ टू से लोग यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन को कैसे बोलेंगे, तो सही से मतलब सही से स्पीकिंग में कैसे बोलेंगे, हाउ टू से कॉम्पिटिटर, तो यहाँ पर इसे कैसे बोलेंगे, तो ये लोग सर्च करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल कॉन्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हाउ टू से, देखिए 5 साल पहले डाली है तो 833 व्यूज़ आए हैं, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग सर्च करते हैं कि यहाँ पर इसे कैसे बोलेंगे, कैसे स्पीक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक कैटेगरी है माइक्रोनीच की, तो आपने यहाँ पर इसी कैटेगरी पे वर्क करना है, क्योंकि इन्होंने सबने यहाँ पर इसी कैटेगरी पर ही वर्क किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये सारा का सारा देख सकते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू से, लोगों ने यहाँ पर इस टाइप के यहाँ पर वीडियोज बनाए हैं। चलिए जानते हैं आप कैसे आपने बनाने हैं। तो ये बनाने के लिए आपको सिंपल एक नीचे आर्टिकल मिल जाएगा, जिस पे दोस्तों आपने चले जाना है। आर्टिकल पर जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के 6 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर वर्ड्स मिलेंगे, जिसमें कि हमें वर्ड्स चाहिए, यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर यूज़ करने होंगे इस टाइप की वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो जब आप यहाँ पर जाओगे इस आर्टिकल पर, तो आपको यहाँ पर ये एक सेक्शन मिलेगा, डाउनलोड इंग्लिश वर्ड लिस्ट, तो यहाँ पर आपने कोई से भी डाउनलोड कर लेने, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग हैं अलग कैटेगरी के। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लिस्ट मिलेगी, ये दोस्तों वो सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप यहाँ पर अलग अलग एक एक वीडियो बना सकते हो, जैसे कि ये वर्ड है इस पर आपको वीडियो बनानी है। अब इस वर्ड पर बनाने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल इस वर्ड को कॉपी करना है और एक वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस वर्ड को पेस्ट कर देना है, और इस वेबसाइट का नाम भी आप देख लीजिए, ये सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 11labs.io। तो इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आपने एक बार प्ले करके देखना है, तो यहाँ पर जैसे प्ले के बाद तो कुछ इस तरीके से ये आएगी। अब चाहे तो आप यहाँ से आवाज़ भी चेंज कर सकते हैं, जो से भी आपको पसंद आए। अब ये करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर म्यूज़िक को डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, आपके पास अगर काइन मास्टर है मोबाइल में तो आप उससे कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ सिंपल इजी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एक आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने 1-1 सेकंड का यहाँ पर गैप लिया और यहाँ पर 6-7 सेकंड की ये वीडियो बनी है, जिसमें कि एक बार मैं इसे भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको बनानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप 2 सेकंड का भी ले सकते हो, 1 सेकंड का भी गैप ले सकते हो, यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 सेकंड का गैप लिया है तो इसलिए ऐसी बनी है। तो आप 2 सेकंड का भी ले सकते हो गैप, सिर्फ आपको 7-8 सेकंड की ये वीडियोस बनानी है। अब यहाँ पर सिंपल कैसे बनती है, देखिए आपको यहाँ पर सिंपल एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड लिया था। अब ये बैकग्राउंड लेने के बाद देखिए मैं आपको एक बार बिल्कुल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से लगाया, बैकग्राउंड लगाने के बाद क्या किया, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसे हटा दिया। टेक्स्ट हटाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने कीवी को लेकर आना है, यानी कि टेक्स्ट को। टेक्स्ट को लेकर आने के बाद जो है यहाँ पर आपने टाइप करना है या कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना है, जो भी वो वर्ड था, और इसका यहाँ पर जो है टेक्स्ट सारा का सारा सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद आपने इसे चौड़ा करना है, और चौड़ा करने के बाद आपको इसका जो है साइज पूरा का पूरा बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इसमें अगर इफेक्ट देने हैं तो इफेक्ट दे देंगे, तो यहाँ पर इफेक्ट देने के लिए हम ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं, और यहाँ पर
एक और है इफेक्ट जो लेते हैं हम वर्डिंग वाला, तो यहाँ पर वर्डिंग वाला है यहाँ पर ये। तो ये करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इसे आपने 5 से 6 सेकंड की वीडियो बना लेनी है। अब जैसा कि मैं ये सारा का सारा हटा देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आए। तो ये हटाने के बाद हमारे ये 2 कंप्लीट हुए हैं एडिटिंग में। एडिटिंग में ये करने के बाद जो है आपको अगला काम आता है म्यूज़िक, जो आपने अभी डाउनलोड किया था अपने कंप्यूटर में इस वर्ड के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इस तरीके से 1 सेकंड का गैप लिया, उसके बाद फिर से पेस्ट कर दिया। और इन्हें ही हमने खींच देना है जितने सेकंड की आपने वीडियो बनानी है। अब ये 10 सेकंड की बन चुकी है और देखें तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसे कम से कम 9 सेकंड की। अब इसे फिर से कॉपी करते हैं या इसे दोबारा से हम यहाँ पर 1 सेकंड के गैप में यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने ये वीडियोस बनानी है। तो यहाँ पर ये बन चुकी है अब हमारी कंप्लीट वीडियो। अभी हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं करके। Zoning. तो इस टाइप की वीडियो यहाँ पर कितने यहाँ पर कुछ ही मिनट लगे मुझे वीडियो बनाने में। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाकर इसे सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल आपने अपने YouTube चैनल बना लेना है हाउ टू से हाउ टू प्रोनाउंस, तो इस टाइप का यहाँ पर उसमें फिर अपलोड करनी है ये सारी वीडियोस। बस आपको ये काम करना है और ये एक सर्चेबल कंटेंट है जिस पे आपको हमेशा व्यूज मिलते रहेंगे। बस आपने 1 साल या कुछ महीने भी काम कर लिया और काम करने के बाद दोस्तों आपने अच्छी खासी वीडियोज अपलोड कर दी तो आपके यहाँ पर सर्चेबल कॉन्टेंट के वजह से व्यूज आते रहेंगे जैसे इस बंदे के आते रहते हैं और इतनी ज़्यादा अर्निंग होती रहती है यहाँ पर आपको जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर इसके हर महीने इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर इसके सब्सक्राइबर 40,000 तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आर्टिकल का भी लिंक मिल जाएगा। और ये लिस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये 1000 वर्ड की लिस्ट है यहाँ पर। तो 1000 वर्ड में आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा वीडियोज बन सकते हैं। तो इस टाइप के चैनल काफ़ी कम हैं, अभी काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है। तो आप अगर अभी बनाकर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो उसके रिलेटेड मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के टॉपिक के साथ।